सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ जो मैम हैं इनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो कि ओला की है। आप देख सकते हैं बहुत लोग का कमेंट ये था कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का बताइए कैसे चलता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आज इनका सेकंड डे है। फर्स्ट डे हमारे गाड़ी पे पेट्रोल स्कूटी में प्रैक्टिस किए थे, बट देखते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी में क्या प्रॉब्लम आती है। मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, ये जो एक्सेलेटर होता है इसमें साउंड नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक स्कूटी में साउंड नहीं होगा और अचानक से गाड़ी बढ़ती है तो वो हमें थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी में यही आपको ध्यान रखना है कि आपको जो साउंड है उससे आपको पता नहीं करना होगा, आपको इस पे रेस पे कंट्रोल करना होगा। इस पे आप डबल स्टैंड लगाकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें डबल स्टैंड भी नहीं है, सिंगल स्टैंड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, अभी ऑन है हमारी गाड़ी, मतलब स्टार्ट अभी नहीं है, सिर्फ ऑन है। तो अभी ब्रेक को प्रेस करके और इस बटन को, ये नीचे वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे। तो जिनके पास ओला स्कूटी है आप लोग देख सकते हैं आज की वीडियो सेकंड डे की। चलिए स्टार्ट कीजिए मैम, ब्रेक को प्रेस करके, ब्रेक को वो वाला ब्रेक प्रेस कीजिए और एक बार इसको प्रेस कीजिए, एक बार बस, ठीक है। अब आराम से थोड़ा सा धीरे से ब्रेक रखे रहिएगा हाथ ब्रेक पे, हाँ हल्का सा लेना है जैसे कल कर रहे थे, फिर डाउन कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा लीजिएगा, नहीं बड़ी, थोड़ा सा लेट है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सीलेटर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा घुमाइएगा। हाँ देखिए अभी तक गाड़ी नहीं बढ़ी, थोड़ा सा और घुमाना होगा। हाँ थोड़ा घुमाइए, समझ रहे हैं, थोड़ा लेट ये घूम रहा है, उसमें तुरंत जा रहा था ना पेट्रोल वाले में, इसमें लेट जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना यही चीज़, ज़्यादा मत घुमाइएगा। नहीं 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 देखिए यहाँ पर ना हाथ ऐसे एक बार टिका लीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए कि कितने पे ये बढ़ना शुरू हो रही है, क्योंकि अचानक से तुरंत स्पीड पकड़ता है। स्पीड थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा थोड़ा बस, हाथ बार बार मत छोड़िएगा, हल्का सा नहीं, हाथ बार बार छोड़ेंगे तो तेज़ हो जाएगा। एक बार जब ग्रिप को ऐसे पकड़ लिए तो बस फिर, हाँ ज़्यादा हाई है स्पीड है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, वो हाथ सेट हो जाएगा ना फर्स्ट डे, इसीलिए थोड़ा सा नज़र सामने रखिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल इसमें साउंड नहीं है और मैम कैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हैं, मतलब घुमा रही हैं, तो ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक स्कूटी करता है, मतलब अचानक से ऐसा लगता है भाग गया। तो इसमें गिरने का चांसेस थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल इसमें ये होगा ओपिनियन कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पेट्रोल स्कूटी से थोड़ा सा अनसेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें अचानक से हमें पता चलता है गाड़ी बढ़ गई और मतलब एक पता भी नहीं चल पाता है। एक्सीलेटर देखिए अभी जैसे मैम घुमा रही हैं बट अभी तक गाड़ी नहीं बढ़ रही, और जैसे अचानक से तेज़ थोड़ा घुमाती है तो गाड़ी अचानक से भागता है आगे, और साउंड भी नहीं रहता है तो अंदाज़ा नहीं मिल पाता। और जो जिन पर कंट्रोल नहीं है अच्छे से, जैसे कल मैम थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं पेट्रोल इंजन पे, तो थोड़ा सा मैम का उस पर हाथ सेट हुआ था, तो आज मैम थोड़े देर में रोक ले रही हैं। और इलेक्ट्रिक स्कूटी की हाइट जानते हैं मैम से ही, तो कल जो गाड़ी चलाए थे उससे ज़्यादा थोड़ा हाइटेड है या मतलब नॉर्मल है? थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मैम भी बोल रही हैं थोड़ा सा ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का हाइट भी खासकर ओला का है थोड़ा, बाकी और जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है बहुत सारी उसकी शॉर्ट हाइटेड भी आती हैं, बट ओला की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में, खासकर जिनके घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर किसी को साथ में रखिएगा, नहीं तो हो सकता है ज़्यादा एक्सीलेटर लगने पे आपको वो चीज़ अंदाज़ा समझ में ना आए और गाड़ी गिर भी सकती है बहुत तेज़, है ना। पेट्रोल स्कूटी में तो एक साउंड मिलती है तो हमें उससे एक अंदाज़ा मिल पाता है कितना तेज़ हुआ, तो फिर हम लोग डाउन कर देते हैं। इसमें अचानक से गाड़ी जो भाग रही है तो उसमें थोड़ा सा हमें रिस्क ज़्यादा होता है। थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा आराम से, हल्का सा इधर, हाँ समझ गए आप लोग। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक स्कूटी पर, कि आप लोग ये चीज़ अच्छे से आप लोग का क्लियर हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पर प्रैक्टिस करना चाहिए या पेट्रोल इंजन पर। तो अगर जिनके घर में दोनों गाड़ी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में पेट्रोल इंजन पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिनके घर में सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन घर वाले को कोई ऐसे मेंबर को साथ में रख, डाउन आराम से डाउन, ऐसे मेंबर को साथ में रख के जो थोड़ा एक्सपर्ट हो, जिनको चलाना आता हो, ताकि वो
आपके पास रहें, और एक्सीलेटर को उनके अपने पास रखिएगा ताकि कहीं तेज़ हो तो वो डाउन कर सकें, है ना। स्टार्टिंग में एक दो दिन हो सकता है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर मैम भी अच्छे से चला लेंगी। होपफुली इनका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और मैम चला रही होंगी, जिसमें काफ़ी बेहतर। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।